आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया। खिताब के लिए कल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगी भिड़ंत। टॉस जीतने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर का शानदार प्रदर्शन। दोनों के बीच 96 रनों की साझेदारी। वेंकटेश अय्यर ने जड़ा सीजन में अपना 3रा अर्धशतक। 41 गेंद में बनाए 55 रन। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2012 और 2014 में जीता था आईपीएल का खिताब। फेस्टिव सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित सभी व्यस्त बाजारों में पुलिस फोर्स तैनात। आज नवरात्र का अंतिम दिन, मां के दर्शनों के लिए मंदिरों में सुबह से उमड़ी भीड़। आज हो रही है मां के 9वें रूप की आराधना। भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है मां सिद्धिदात्री। दिल्ली के चितरंजन पार्क में अष्टमी के मौके पर काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कोविड नियमों के तहत किए दर्शन। सूरत में अष्टमी के मौके पर उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन। कोरोना नियमों की वजह से सीमित संख्या में पहुंचे भक्त। अष्टमी के मौके पर महामाया धाम पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। मंदिर में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स में दर्ज हुआ छिंदवाड़ा के बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का नाम। कोरोना काल में बांटे 3,55,000 खाने के पैकेट। कोलकाता में कैस्टोपुर दुर्गा पूजा पंडाल में लगाई गई है सोनू सूद की आदमकद प्रतिमा। कोरोना काल में गरीबों की मदद करते दिखाया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में प्राकृतिक पेड़ पौधे लगाकर तैयार किया गया दुर्गा पूजा पंडाल। पेड़ों पर लटके नजर आए फल और सब्जियां। छपरा में दुर्गा पूजा पंडालों में चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। 23 पंडालों में लगाई जा रही है वैक्सीन। दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा एम्स का स्वरूप। सरकार से प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण में तेजी लाने की अपील। दिल्ली की लवकुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक मंचन। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ रामकथा देखने पहुंचे 10 देशों के राजदूत। अयोध्या में अंगद के किरदार में मंच पर नजर आए मनोज तिवारी। दिल्ली में छठ पूजा पर बैन को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के करकटडूमा इलाके में रामलीला का मंचन। मास्क पहनकर मंच पर आए राम और लक्ष्मण। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर दारोगा के जूते पहनकर चढ़ने पर बवाल। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। 2.5 घंटे जाम रहा रोड। जेल में कटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की एक और रात। आज फिर होगी सुनवाई। जमानत अर्जी पर फैसला सुना सकता है सेशंस कोर्ट। गोवा चुनावों के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आज दौरे पर जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के बाद पंजाब में सियासी खलबली। कांग्रेस से लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर उठाए सवाल। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए अच्छे संकेत। कहा कोरोना से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा संगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी। असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव का विश्लेषण करने पर दिया जोर।